हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास, और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट राउटर डॉम के यूज़ राउट लोडर डेटा के हुक के बारे में। ठीक है, यूज़ राउट लोडर डेटा हुक के बारे में, काफ़ी बड़ा सा नाम है तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो यूज़ इसलिए क्योंकि ये हुक है, सिंपल सा है। ठीक है, राउट तो राउट यानी आपको पता ही है कि अलग अलग जो पाथ बनता है, जैसे होम पेज हो गया, अबाउट अस बन गया, हर एक का हम लोग एक राउट क्रिएट करते हैं, एक पाथ जो देते हैं कि इस पे जो होम खुलेगा या इस पे अबाउट खुलेगा, इसके कॉन्टेक्टर्स खुलेगा, उसको राउट बोलते हैं। ठीक है, लोडर और डेटा, तो जो लोडर यानी कुछ भी को लोड करने वाले को लोडर बोलते हैं ना, कि भाई लोड कर रहा है, तो लोडर हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। और डेटा यानी डेटा मतलब पता ही है, जो भी दिख रहा है इन्फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, बेसिकली टेक्निकली अगर बोले, और नॉर्मली अगर वेब एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो डेटा वाई हो गया तुम्हारा वही चीज़, जैसे जेसोन डेटा हो गया। बेसिकली अगर रिएक्ट के भी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करके देखें तो वही सब चीज़ हो गया। ठीक है, तो यूज़ राउट लोडेड डेटा यानी कि राउट का जो डेटा है उसको कैसे लोड करेंगे। अब देखो, इसका नाम नाम से कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा, बस मीनिंग समझ में आ गया, बट रियल वर्ल्ड में इसका क्या यूज़ है वो देखते हैं। ये बहुत ही कमाल का हुक है, बताते हैं। और ये हुक जो है भाई स्टेट मैनेजमेंट तक को रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, ये ऐसा हुक है, तो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन में, और फिर हम लोग अभी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा यूज़ राउट लोडेड डेटा। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, ये भाई तुम्हारा स्टेट मैनेजमेंट रिडक्स विडक्स जो भी है, जो स्टूडेंट, सबको ये रिप्लेस कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा, लेकिन हाँ, जहाँ पर आप अननेसेसरी ज़बरदस्ती का घुसा देते हैं रिडक्स को, और फिर ये सारा वो सब है, अच्छा है, जो स्टूडेंट अच्छा है, लेकिन वहाँ पर आप उन सबको बिना यूज़ किए हुए भी इसके थ्रू कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखो सिंपल है, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुल मिला के बात ये है कि अगर कोई राउट है जिसमें कि डेटा लोड ले रहा है, ठीक है, और लोड ले रहा है, तो क्या होगा कि उसका जितना भी चाइल्ड एलिमेंट होगा, जितना भी चाइल्ड चाइल्ड राउट होगा, ठीक है, वो सारा डेटा अपने पेरेंट्स से एक्सेस कर सकता है। मान लो ये स्लैश है, ये मान लो यहाँ पर रूट है, कहीं ना कहीं मान लो हमारा लेआउट है, मान के चलो, तो यहाँ पर जो लोडर फंक्शन देगा ना, वो डेटा जो लोड होगा ना, उसको इसके अंदर जितना भी चिल्ड्रन होगा वो सारा एक्सेस कर पाएगा। अब बोलो जो इसके अंदर नहीं रहेगा भाई, तो स्लैश जो है हमेशा इसी के अंदर सब कुछ रहेगा। मतलब स्लैश कह रहे हैं मतलब होता है होम पेज, और होम पेज में लोग लेआउट को बेसिकली रेंडर करते हैं, जो बेसिक स्ट्रैटेजी है उसके अंदर भाई सब कुछ रहता है। इसके बाहर कभी आपको नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा नॉट फाउंड पेज दिखेगा ज़्यादा ज़्यादा, वरना ऐसा नहीं दिखेगा। तो भाई बहुत अच्छा केस, यूज केस है कि आप यहाँ पर एक लोडर फंक्शन देकर डेटा को लोड करा ले, जितना भी डेटा है वो सारा कुछ जो भी है, ठीक है, और उसके बाद जो है भाई उस डेटा को बस एक यहाँ पे आपको एक चीज़ देना पड़ेगा कि भाई आईडी देना पड़ेगा, क्योंकि आईडी के थ्रू ही हम लोग एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कैसे ये चीज़ होता है। एक सिंपल एग्जांपल देखें तो यहाँ पे बेसिक सा एक रिएक्ट का कॉम्पोनेंट है, रिएक्ट का एप्लीकेशन है जिसमें कि ऐप कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है, ऐप कॉम्पोनेंट ही एक्चुअल में। कोडिंग में जाते हैं और भाई ये सारा फोल्डर वगैरह हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे ऐप कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है, ये सारा इंपोर्ट अभी किया हुआ है, इसको कमेंट करके रखे हुए, तो क्या हुआ राउट्स में ये सारा है। ठीक है, और ऐप जी एस में देखिए तो बेसिकली ये एक टाइपोग्राफी है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वही चीज़ ऐप कंपोनेंट, ऐप कंपोनेंट। ठीक है, सिंपल है, तो मेन में ये हो रहा है। ठीक है, बट हम लोग ऐसा यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, राउटिंग करते हैं ना, तो फाइल्स जो है ये सारा इंपोर्ट कर लेते हैं और ये फाइल्स दिखाते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेआउट में बेसिकली लेआउट की स्ट्रेटेजी आपको पता है, लेआउट कैसे होता है, आउटलेट उसमें जाता है और बाकी कुछ जो कॉमन कोड है, जैसे कि फुटर हो गया, हेडर हो गया, स्टिकी मतलब सॉरी स्टिकी बोल रहे, साइड बार हो गया, जो भी चीज़ है, ठीक है, वो चीज़ रहता ही है। तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। और बाकी कंपोनेंट बहुत सिंपल है, बस एक एक टाइपोग्राफी डाला हुआ है, जैसे अबाउट है तो अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट होम है तो होम पेज, ऐसा कुछ। ठीक है, टीम है तो टीम पेज, ठीक है, जो भी। तो अब इसको ऐप कंपोनेंट पे हटाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, पहले राउटिंग क्रिएट करते हैं, तो वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू क्रिएट ब्राउजर राउटर। ठीक है, इस तरीके से, और पाथ देते हैं होम पेज यानी स्लैश, और जिसमें कि हम लोग एलिमेंट देते हैं लेआउट। ठीक है, ये हो गया, और इसका चिल्ड्रन में देंगे हम लोग चिल्ड्रन, जिसका वैल्यू एरे होगा, यहाँ पे देंगे पाथ नहीं देंगे, यहाँ इंडेक्स दे देंगे ट्रू। ठीक है, और एलिमेंट दे देंगे यहाँ पे होम। ठीक है, कि इंडेक्स राउट पे बाय डिफॉल्ट जो है होम पेज यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ये एरर थोड़ा सा दे रहा है, मतलब वार्निंग दे रहा है, इसको कमेंट को हटाते हैं। तो क्रिएट ब्राउजर राउटर और ब्राउजर राउटर दोनों को, सॉरी ब्राउजर राउटर तो नहीं लगेगा, राउटर प्रोवाइडर लगेगा। ठीक है, तो अब सही है। हाँ, तो ये हो गया हमारा होम पेज का, बाकी देते हैं पाथ अबाउट के लिए एलिमेंट अबाउट कंपोनेंट, पाथ कॉन्टेक्ट के लिए एलिमेंट कॉन्टेक्ट कंपोनेंट। ठीक है, और एक बजिया क्या क्या हमारा टीम्स। ठीक है, तो पाथ देते हैं टीम्स के लिए एलिमेंट टीम्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब बस करना क्या, सिंपल है, इसके नीचे जाना है और यहाँ पे देना राउटर प्रोवाइडर, राउटर प्रो
प्रोवाइडर उसका इक्वल टू राउटर एक प्रॉप देना, इसमें कि जो राउटर हमने क्रिएट किया उसको असाइन कर देना, बहुत सिंपल है। इसको ऑटो क्लोज कर देना, इसको सेव कर देना, बस हो गया काम यहाँ पे अपना खत्म। ठीक है भाई, क्या वार्निंग है, एरर तो नहीं होगा, वार्निंग होगा। अच्छा ऐप, हाँ तो ऐप नहीं यूज़ कर रहे तो भाई ठीक है, नहीं हमको यूज़ करने का मन है, सिंपल है, इसको कमेंट कर देते, नहीं तो ये भाई ये सिलेंट जो है भोंकता रहेगा। तो जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखते हैं ये स्लैश टीम्स पे अगर होम पे जाएंगे ये तो हो, ठीक है तो ये तो हो गया। तो मान के चलो कि भाई हम लोग को डेटा, अब ये सिंपल एप्लीकेशन है लेकिन हो सकता है आपका बहुत लार्ज इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन हो जिसके अंदर बहुत सारा चाइल्ड एलिमेंट्स और राउटिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो, देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो मान के चलो यहाँ पे कुछ डेटा जैसे कि जेसन प्लेस होल्डर में आ गए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ डेटा जैसे कि 100 पोस्ट्स है, ठीक है, मान के चलो इसको अरे भाई इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं और वापस आते हैं, यहाँ पे देखते हैं पैकेज जेसन में क्या एक्सियोस इंस्टॉल्ड है। एक्सियोस फेच एपीआई भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं एक्सियोस, चलो फेच एपीआई यूज़ कर लेते हैं जो नेटिव है, एक्सियोस अब इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा टॉप एकदम है तो यहाँ पे हम लोग देंगे लोडर फंक्शन, तो लिखेंगे लोडर एक प्रॉपर्टी देंगे और यहाँ पे एसिंक देंगे, एसिंक अवेट क्योंकि प्रॉमिस का भी खेल होने वाला है ना बैकेंड में, जो बैकेंड बोल रहे हैं एपीआई कॉल करेंगे तो एसिंक अवेट यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से देंगे फेच, और फेच के अंदर इस तरीके से ये देंगे क्या बोलते हैं URL डॉट देन देंगे और यहाँ पर देंगे रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पर रिस डॉट जेसन में उसको रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करेंगे। और भाई इसके अंदर यहाँ पे जो है हम लोग अवेट लगा देते हैं तो डेटा आ जाएगा, तो लिखते हैं कॉन्स्ट डेटा इस तरीके से और रिटर्न डेटा, ठीक है। अब चाहे तो कॉन्सोल लग करके भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं, ये देखो 100 आ गया ना एरे, ठीक है। अब बात ये है कि ये 100 एरे को कैसे एक्सेस करेगा, ये बाकी जो इसके अंदर मतलब है ना यहाँ पे वो सारा कुछ इस राउट के जो चाइल्ड एलिमेंट है वो कैसे एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, वापस जाते हैं कोड पे और यहाँ पे एक आईडी देना आपको इसमें, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आईडी देते हैं रूट इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि रूट एलिमेंट है मतलब रूट राउट है, ठीक है, एकदम टॉप पे, तो यहाँ पर आईडी दे दिया। अब इसको सेव करते हैं और अभी जो भी इसका चाइल्ड में चाहिए होगा ना वो डेटा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग को टीम्स में चाहिए था मान के चलो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंपोर्ट कर लेंगे यूज राउट लोडेड डेटा, ठीक है, इसको यहाँ और यहाँ पे जस्ट देखेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू यूज राउट लोडर डेटा और यहाँ पे बस उस आईडी का नेम पास करना है। तो हमने आईडी का नेम क्या रखा था, रूट रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप कॉन्सोल लॉग करके दिखा दे आपको डेटा को, ठीक है, और यहाँ main.jsx में जाते हैं और यहाँ पे शायद कॉन्सोल लॉग यहाँ पे एक है, इसको कमेंट कर देते, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कि कहाँ से कॉन्सोल लॉग हो रहा है, मतलब फाइल में आ ही जाता है पता, ठीक है। तो अब यहाँ पे जाते हैं टीम्स में और इसको सेव करते हैं, ठीक है, और वापस जाते हैं ब्राउज़र पर देखते हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे डेवलपर टूल्स ओपन करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो अभी तो कुछ कॉन्सोल नहीं हुआ लेकिन जैसे टीम्स पे हम लोग जाएंगे, कॉन्सोल पे जाते हैं, जैसे टीम्स पे क्लिक करेंगे ना तो ये देखो 100 पोस्ट, तो टीम्स जो राउट था उसके उसमें उस राउट से मतलब चाइल्ड एलिमेंट से हम लोगों ने पेरेंट जो था राउट उसका डेटा एक्सेस कर लिया। तो ये तीनों कॉम्पोनेंट जो है अबाउट और कॉन्टेक्ट भी एक्सेस कर सकता है, सेम उसी तरीके से यूट राउट लोडेड डेटा हुक को कॉल करना, उसमें जस्ट पेरेंट का आईडी भेज देना है। और ये ऐसा नहीं कि एकदम फर्स्ट लेवल, ये कितना भी डीप से डीप नेस्टेड लेवल तक चल जाएगा, कहीं भी चल जाएगा डीप से डीप नेस्टेड लेवल, वहाँ से इसको एक्सेस कर सकता है। जस्ट सेम इसी फॉर्मेट में लिखना है, इंपोर्ट करना है और इसके अंदर वो आईडी देना है जो आपने पेरेंट पे ये आईडी मेंशन किया, ठीक है, ये आईडी देना है, उसी के थ्रू आप इसके डेटा को लोडर फंक्शन के डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी कमाल का है ये, आपको बहुत मदद करेगा कि अगर आप चाहते हैं ऐसा सिचुएशन में जहाँ पर आपको एक मतलब कुछ कुछ चीज़ों के लिए अगर आपको रिडक्स और जूस ट्रेंड वगैरह स्टेट मैनेजमेंट यूज़ करना पड़ा है तो वहाँ पर आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो आपको एक बीच में मिडिल मतलब मिडिल क्या बोले उसको मिडिलवेयर नहीं लेकिन बीच में कुछ आपको अलग से थर्ड पार्टी प्लगइन या थर्ड पार्टी ऐप मतलब कि पैकेज यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर मतलब चल जाए इंटरमीडिएट लेवल का अगर एप्लीकेशन है तो वहाँ पर आप रिडक्स या जूस्टेंट की जगह पे इस तरह का स्ट्रैटेजी को पैटर्न को लगा के एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है यूज़ राउट लोडर डेटा हुक और इसको कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।